कश्मीर टूर के लिए आया था। इधर मंदिर एक अच्छा था, इसलिए मैं इधर आके दर्शन किया, वो बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम ओम प्रकाश शास्त्री है। मैं महान शिव पार्वती अमर मंदिर तभी बिरज जीवन चौक शिव मंदिर शीश महल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को 1992 में सज्जन राम जी ने इस मंदिर को बनवाया था और 1992 महाशिवरात्रि के दिन जो है शिव पार्वती की प्रतिमा को यहाँ प्रतिष्ठा किया गया था। तो तब से लेकर के आज तक जो है यहाँ बाहर से जितने भी दर्शनार्थी वैष्णो देवी के लिए या अमरनाथ के लिए आते हैं तो वो सारे दर्शनार्थी यहाँ भी जो है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं और शीश महल इस मंदिर को देखने के लिए काफ़ी संख्या में लोग दूर दूर से आते हैं। तो अभी खास बात यह है कि श्रावण महीना चल रहा है, अभी आज श्रावण कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि आज तीन दिन हो गया श्रावण महीना शुरू हुआ। तो अभी श्रावण महीने में तो भक्तों का काफ़ी जो है यहाँ आना जाना लगता है, लोकल भी बहुत सारे लोग आते हैं और बाहर से आने वाले यात्री भी बहुत सारे लोग आते हैं। तो अभी श्रावण महीने का पहला सोमवार जो है 10 तारीख को है। इस श्रावण महीने में जो है अभी 8 सोमवार हैं, ऐसे हमेशा 4 सोमवार होते थे, अभी जो है 8 सोमवार हैं। क्योंकि पुरुषोत्तम मास, कोई मल मास कहते हैं इसको, कोई दोमासा कहता है, कोई पुरुषोत्तम मास कहते हैं। तो मल मास की वजह से जो है अभी 2 श्रावण महीने हैं, ऐसा संयोग जो है 19 साल के बाद आया है। श्रावण महीने में पुरुषोत्तम मास जो है 19 साल के बाद आया है, तो इस पुरुषोत्तम मास में भगवान शंकर जी का पूजन करना जो है बहुत बड़ा महत्व होता है इसका। तो श्रावण महीने में जो है सभी भक्तों को भगवान शंकर जी की उपासना करना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। श्रावण महीना जो है पवित्र और शुद्ध महीना होता है। मैं गोपालदास वैष्णव भीलवाड़ा राजस्थान से यात्रा बस से आए हैं, जिसमें लगभग 53 यात्री हम हैं और अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हैं। इससे पहले हम वैष्णो देवी और शिवकोटी की यात्रा कर चुके हैं और हमें वहाँ बहुत अच्छा माहौल मिला और बहुत अच्छी यात्रा हमारी रही है। आगे अब अमरनाथ यात्रा के हमारे रजिस्ट्रेशन 8 तारीख को होने वाले हैं और उसके बाद बाबा बर्फानी की यात्रा और दर्शन के लिए हम रवाना होंगे। बहुत आनंद आ रहा है इस यात्रा में और हम सब पूरे यात्रा बस वाले सभी सहयात्री आनंद से इस यात्रा का आनंद ले रहे हैं। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी।